हमारे पास प्रश्न आया है श्री नागेंद्र प्रसाद जी का। ब्राह्मण हैं, पंजाब से हैं, होशियारपुर से। उन्होंने प्रश्न किया हुआ है कि मेरा यह प्रश्न है कि श्री जी और लक्ष्मी जी में क्या अंतर है। मतलब ये पूछना चाहते हैं कि श्री जी और लक्ष्मी जी अलग अलग हैं या एक ही हैं, क्योंकि कहीं उनको श्री कहा जाता है, कहीं लक्ष्मी कहा जाता है, तो इनमें क्या अंतर है क्या, ये पूछना चाहते हैं। देखिए, मूलतः कोई विशेष अंतर नहीं है, भगवती महालक्ष्मी जी के ही दोनों स्वरूप हैं, परंतु स्वरूपतः दोनों में भेद है, पृथक पृथक हैं। और ये दोनों ही भगवान श्री विष्णु जी की, नारायण की शक्तियां हैं, पत्नियां हैं। इस बात को स्वयं वेद भगवान प्रतिपादित करते हैं। श्री शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय में जहां उत्तर नारायण सूक्त है, उसकी 22वीं कंडिका में इन दोनों भगवतियों के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, ते श्री लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। श्रीमन्नारायण की स्तुति करती हुई भगवती कहती हैं, श्रुति भगवती, कि श्री जी और लक्ष्मी जी दोनों ही आपकी पत्नियां हैं। श्री माने होता है वैभव, धन, समृद्धि। श्री जी भगवती जानकी जी को भी कहा है, भगवती श्री राधा रानी का भी नाम श्री जी है। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने श्री जी की व्याख्या करते हुए कहा है कि श्रीयते हरिणापि सा श्री। यद्यपि बहुत व्याख्या की है, मुख्य कहते हैं कि जहाँ भगवान श्री राघवेंद्र या भगवान श्री कृष्ण यादवेंद्र स्वयं जिनका सेवन करें, जिनकी सेवा करें, वे हैं श्री राधिका, वे हैं श्री जानकी जी। और लक्ष्मी जी तो स्पष्ट हैं ही। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा, प्रभा, कांति। ये जो है श्री और लक्ष्मी जी में मूलतः अभेद होते हुए भी ये भेद है। कर्मकांड में भी हम लोग यहाँ सप्तघृत मातृकाओं का पूजन करते हैं, जिन्हें बसोरधारा देवी भी कहते हैं। उनका कहीं कहीं शास्त्रों में 5 और कहीं 7 का पूजन करने का विधान है। हमारी परंपरा में सप्तघृत मातृकाएं हैं, जिनकी कारिका है श्रीर लक्ष्मीर धृतिर मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः। तो इसमें भी श्री और लक्ष्मी जी को पृथक पृथक रखा गया है। तो इनके स्वरूप में ये भेद है, और दोनों ही भगवान श्रीमन्नारायण की शक्तियां हैं, और दोनों ही हमारी पूज्यां हैं। और ये मूलतः श्री जी में और लक्ष्मी जी में अंतर है। हर हर महादेव।